बहुत सारा ट्रेड का रिक्वायरमेंट आ चुका है, वो भी अल्फनार कंपनी का। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सऊदी अरबिया के लिए अल्फनार कंपनी है। क्लाइंट इंटरव्यू 24 सितंबर 2023 को दिल्ली में चलेगा। आप लोग ट्रेड देख लीजिए, सैलरी देख लीजिए, वैकेंसी के ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल गल्फ रिटर्न है ओनली, जिसका सैलरी है 1400 से लेकर 1600, इसमें 609 कैंडिडेट चाहिए। पाइप हीटर का सेम सैलरी है, प्लम्बर का भी सेम सैलरी है, जिप्सन बोर्ड एंड फ्लैश क्लैडिंग टेक्नीशियन का सैलरी सेम है, स्काफ होल्डर का सैलरी सेम है। उसके बाद क्लाइंट इंटरव्यू 25 सितंबर 2023 को दिल्ली में चलेगा। कुछ और ट्रेड का इलेक्ट्रिकल गल्फ रिटर्न ओनली चाहिए, जिसका सेम सैलरी है, पाइप हीटर का भी सेम सैलरी है, प्लम्बर का भी सेम सैलरी है, मेसन का भी सेम सैलरी है, टाइल्स सेटर का सेम सैलरी है, डक्ट इंसुलेटर गल्फ रिटर्न ओनली चाहिए, सेम सैलरी है, पाइप इंसुलेटर का भी सेम सैलरी है, पेंटर का भी सेम सैलरी है, कैम कुक का भी सेम सैलरी है, वेल्डर का भी सेम सैलरी है। प्लम्बिंग फायर फाइटिंग फोरमैन का सैलरी 3500 से लेकर 3000 तक है। एचवीएसी फोरमैन का सैलरी 3500 से लेकर 3000 तक है। इलेक्ट्रिकल फोरमैन का सैलरी 3500 से लेकर 3000 तक है। अकाउंटमेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड बाई कंपनी। क्लाइंट इंटरव्यू 25 सितंबर 2023 को दिल्ली में चलेगा। इलेक्ट्रीशियन है, इसका सैलरी 1400 से लेकर 1600 है, इसमें 609 कैंडिडेट चाहिए। पाइप हीटर है, जिसका सेम सैलरी है, 300 कैंडिडेट चाहिए। प्लम्बर 465 कैंडिडेट चाहिए, जिसका सेम सैलरी है, सभी का इसमें सेम सैलरी है, प्लम्बर का, मेसन का, टाइल्स सीटर का, डक्ट इंसुलेटर का, डक्ट फैब्रिकेटर का, पाइप इंसुलेटर का। उसके बाद क्लाइंट इंटरव्यू 26 सितंबर 2023 को प्लम्बिंग फायर फाइटिंग फोरमैन का सैलरी 3500 से लेकर 3000 तक है। एचवीएसी फोरमैन का सैलरी सेम है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन का सैलरी सेम है। तो दोस्तों, हमारे पास में जो भी ट्रेड का वैकेंसी था आप लोग पास में हम शेयर कर दिए। दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।